टाइल्स, इसका क्या मतलब होता है? होता नहीं होता फाइनल नंबर लाइन देखना जरा, नौ नंबर। नहीं 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 इसका कुछ नहीं, इसको डिलीट भी कर सकते हो। अच्छा फिर छोड़ दिया मैंने। ओवरराइड, ओवरराइड के नीचे लिखा है स्टेट स्पेस स्क्रीन क्रिएट स्पेस स्क्रीन स्टेट, ठीक। उसके बाद फिर आया हूँ मैं क्लास पे, यहाँ क्लास में भी स्पेस स्क्रीन जो लिखना था वही लिखा हुआ, जो ऊपर लिखा था सेम वही लिखा है ना। अब काम होना है ओवरराइड विजिट वर्ल्ड से, काम होना है ओवरराइड विजिट वर्ल्ड से। यहाँ पर हमने वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट किया, उसके बाद नीचे अब यहाँ रिटर्न स्टैनफोर्ड के बाद से हमने इसका ऐप बार बनाना चाहा, तो हमने ऐप बार लिखा और ये डबल पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं ये वाली, ये वाली बिंदी, दो बिंदी जो आ रही है। हाँ ऐसे क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं एक मिनट, डबल डॉट ही बोलते हैं, डबल डॉट, डबल डॉट, डबल डॉट ही बोलते हैं, डबल बिंदी नहीं, डबल डॉट। एफ बार लिखा, एफ बार लिखने के बाद फिर ये यहाँ पर देखो स्मॉल ए बनी हुई है, यहाँ पर बड़ी ए बनी हुई है ना इसका, और नेक्स्ट लिखा उसका बी बड़ा बना, इसका क्या मतलब है? नेक्स्ट लिखा उसका बी बड़ा बना है। अच्छा देखो, हाँ देखो, एक मिनट, अब देखो हमें थोड़ा बोलने दो, इसको थोड़ा नीचे करो, काले काले को ऐसे करके थोड़ा सा। अब देखो देखो ये क्या है, ये स्केफोल्ड एक विजिट है, राइट। ये स्केफोल्ड यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक आया, ठीक है। इसका कर्ली ब्रैकेट आया, देखो ये कोष्टक यहाँ से चला नीला वाला और ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, स्केफोल्ड हुआ यहाँ पे, लिख के भी आ रहा है वाई स्केफोल्ड यहाँ तक आ रहा है, ये लिख के आ रहा है इसके पीछे। ये ये इसका मतलब होता है कि भाई यहाँ से चला हो, ये यहाँ तक चल रहा है, इसका दायरा यहाँ तक है। अब इसके इसके में नीचे वाले दो पोस्ट तक यहाँ 32 नंबर तक, इनका कोई वैल्यू नहीं है? हाँ इसका ये वैल्यू है, यहाँ पे ये ऊपर आ रहे हैं कर्ली ब्रैकेट। देखो हम जहाँ देखो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे ऐसा बन गया और यहाँ पे ऐसा बन गया, समझ में आ रहे हो? हाँ ठीक, ओके। मतलब कि इसका करंट यहाँ तक जा रहा है, ये सब बता रहा है कि भाई ये इसका इन है, ये इसका आउट है। हाँ ठीक है, देखो हमने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे हमने क्लिक करा, यहाँ पे देखो वैसे ऐसे बन के आ रहा है, इसका मतलब ये निर्देश देता है कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक चला है। हमने यहाँ पे क्लिक करा, इसने ये निर्देश दिया कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक चला हुआ है, इसके बीच में माल पड़ा हुआ है। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, ये बताता है ये, ठीक है ना। मतलब कौन सी चीज़ कहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ तक जा रही है, तो वो सब बताता है ये, ठीक है। अब दूसरी चीज़ तुमने जो पूछी थी, चूँकि ये स्केफोल्ड एक बजट है, ठीक है, पूरा बजट पे ही चलता है। फिर तुम्हारा नेट स्लो हुआ यार, स्केफोल्ड के बाद ही हम लिखते हैं नेट सिस्टम, नेट सिस्टम नेट चेक हो फटाफट, कनेक्ट है, स्लो हुआ यार, क्या हुआ? सिस्टम नेट से कनेक्ट है, कुछ नहीं मिला क्या? कुछ कर नहीं रहा अभी ये, चला गया। या फिर कुछ गड़बड़ हो रहा क्या? नेट नहीं चल रहा भाई, आपका नहीं चल रहा भाई, यहाँ पे चल रहा है? हमारा नेट नहीं जाता यार, हमारे नेट की बात ना करो, यहाँ नहीं नेट जाता। मेरा 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 सोनी और आप क्या क्या, आप देख लो एनीडेक्स कनेक्ट है, ये देखो एनीडेक्स तो कनेक्ट है, स्लो हो गया होगा इसीलिए नहीं चल रहा, कुछ कर रहे हैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। दोबारा से मुझे रिफ्रेश भेज दो ना आप। इसकी किस्मत खराब है भाई, जब अच्छा समझ में आता है, जब पढ़ाते हो तभी अच्छा समझ में आता है, फिर ये ड्रामा कर देता है। नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया ना, हाँ थोड़ी देर में दिखता है वो। अच्छा वो पड़ जाता है भाई, तो कह यार जब मन अच्छा ऐसे समझ में आता है, नहीं समझ में तो आता है यार, अब वही चीज़ है ना, हम उस तरह से समझाते हैं भाई, तो वही चीज़ है ना, फिर ये
अब ये चीज़ तभी तो हम क्लास लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, फटाफट फटाफट कवर करो, वहाँ तक पहुँच जाओ, और फिर हर एक क्लास को अटेंड करो। तो फिर वही तो भाई, हमने जब स्टार्ट किया था तो भाई तुमने थोड़ी सी ढील डाली पहले से ही, अगर सीरियस हो जाते उस चीज़ के लेके, घर पे होमवर्क नहीं करोगे तो भाई देखो ऐसे ही हो पाएगा, क्या करें। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मजबूरी थी, अब जाके हमने लैपटॉप ले पाया, मालूम बीवी से पैसे उधार लिए तब लिया लैपटॉप। अरे यार बीवी के कर्जदार तो सब रहते हैं, हम भी हैं भाई। क्या करें, लेकिन हमने उनसे वादा किया है कि हम सीख जाएंगे पैदा करके तुम्हें इस ज्यादा पैसे दे देंगे। भाई कनेक्ट करने के लिए आया नहीं आया नेट यार, तुम्हारा नहीं चल रहा यार। आज पहली बार दिक्कत हुई, इतनी कभी नहीं होती है, पिछली बार हुई थी क्या? सब यार पहली बार ही होता है भाई, अब तो यार बिल्कुल ऑफलाइन ही दिखा रहा है। चलो यार इतना बता दिया, फिर कभी कनेक्ट करते हैं, और क्या बताएं, तुम्हारा चल नहीं पा रहा यार। भाई अब की बार डिस्कनेक्ट हुआ भाई, हम अपना शटर बंद कर देंगे। चेक भैया बंद कर दिया, क्या करें अब, जो तो हमारे हाथ की बात तो ना है, नेट हो गया क्या? देखो स्केफोल्ड जो है, स्केफोल्ड ये देखो, जब भी कोई विजिट होता है ठीक है, विजिट के अंदर देखो ये है ठीक है, जब भी तुम्हारा कोई विजिट स्टार्ट होता है तो इस तरह से स्टार्ट होता है, यानी कि जो कर्ली ब्रैकेट होंगे साथ साथ में होते हैं ठीक है, ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट होता है ठीक है, इसको हमने स्टार्ट किया। अब इसके अंदर जो भी माल पड़ेगा ठीक है लेफ्ट हैंड पे ठीक है, वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा उसके अंदर। सुनो बताते चलो, आपने इसके फोल्ड के दो ब्रैकेट से इंटर मारा, एक ब्रैकेट नीचे आ गया है ना। मेरी बात सुनो भाई मेरे, तुम यार कैसे लिखते हो, हमने क्या बोला भाई, ये सब कुछ चीज इसके अंदर होती है, बजट का मतलब ये इसके अंदर ही माल लिखा जाएगा, कुछ भी लिखोगे समझ ना, ये अब इसके अंदर तुम कोई चीज़ लिखोगे चाहे एंटर मारो चाहे तुम इसके अंदर लिखो, समझ गए ना, लेकिन उसके अंदर तो रहेगा हमें। लेकिन एंटर किस लिए मारते हैं, ताकि क्योंकि हमको ये स्केफोल्ड पूरा एकदम मेन है, ये बहुत बड़ा जाता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोड लिखा जाता है, इसलिए हमने एंटर प्रेस कर लिया। सपोज करो ठीक है हमने एंटर नहीं किया ठीक है, तुम तेरे चीज़ों को ऐसे रट ले, एंटर मारा हमने एंटर नहीं किया ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो भी पड़ेगा लेफ्ट हैंड के साइड में जो भी आएगा, हम सेपरेशन के लिए इसको अच्छा समझ में आए इसलिए हम इसको लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर तुम्हें साफ दिखाई देगा, अगर हम ऐसे अगर इसको नहीं एंटर प्रेस करेंगे तो वहां से तुमको साफ नहीं समझ में आएगा ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड पे होगी, लेफ्ट हैंड पे कुछ चीजें इसमें मतलब डिसाइडेड हैं कि इसके अंदर वही जाएगा, इसके अंदर एफ बार रहता है, यानी कि ये पूरी एक बॉडी है, पार्ट ऑफ स्पीच जो आपका शरीर होता है, एफ बार का मतलब है खोपड़ी, खोपड़ी पे अंदर जो भी ऊपर टाइटल लगाता है वो इसके अंदर हमेशा एफ बार के अंदर आएगा, इसके बाद इसी के अंदर आप जो भी एफ बार का काम करेंगे वो इसके अंदर आएगा, समझ में आया। देखो अपने आप एक बार जो आपने यहाँ पे टाइप किया, एक बार रुक के थोड़ा सा अपने आप ये देखो आया, इसके सजेशन में कि देखो यहाँ पे ये लगता है, अपने आप आया, हमने कुछ करा था? केवल हमने डबल डबल बिंदी वाली ना वही क्लिक करी बस, वो भी हाँ वो भी नहीं क्लिक, वो हमने टाइप कुछ भी नहीं करी, देखो हमने खाली एक 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 लिखेंगे एक, अपने आप आ जाएगा एक बार आ गया, अब एक बार आ गया, अब एक एक अब एक पहले का था कमर इसलिए वो एक ही कमर रहेगा एक बार में, अब यहाँ पे एक बार ये राइट हैंड साइड पे बिंदी के राइट हैंड साइड पे जो आएगा वो एक खुद का एक विजिट होता है, विजिट के अंदर विजिट होते हैं, मल्टीपल विजिट जा सकते हैं ठीक है, वो एक खुद का एक विजिट होता है। अब इसके अंदर आप लिखेंगे जो भी लिखेंगे, जो टाइटल से रिलेटेड होगा आपका, जो एफ बार से रिलेटेड होगा, एफ बार के अंदर टाइटल आता है, तो अब वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो वो स्मॉल लेटर में होगा, जैसे इस पर क्लिक कर देंगे अब इधर में आएगा वो कैपिटल लेटर में होगा, मतलब जो पहले लेटर होगा उसका वो कैपिटल लेटर में होगा राइट हैंड साइड पे। अब ये एक विजिट हो गया,
अब टेक्स्ट आपने आपने टेक्स्ट आपने टेक्स्ट लिखा, ये जो कर्ली ब्रैकेट अपने आप आ गए, बनाए टाइप करें भाई। हाँ ऐसे करें, सिलेक्ट करेंगे टी टी ई एक्स टी टी ई एक्स एक्स टी, ठीक है। ये नीचे आया, ऐसे ऊपर से नीचे पर आया, यहाँ पे इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमको टाइप नहीं करना पड़ेगा, यही आ जाएगा। दो नंबर डाटा करोगे तो ऐसे स्ट्रिंग के अंदर आएगा, ये कोई चीज़ आएगी इसके अंदर। अब देखो ठीक है, ये तो होगा, ये बस टाइटल टाइटल आएगा, यानी कि जो ऊपर ऊपर आता है, बट हमें स्प्ले स्क्रीन में कोई टाइटल नहीं चाहिए, ठीक है। स्प्ले स्क्रीन में हमें कोई टाइटल नहीं चाहिए, तो इसमें यहाँ पर टाइटल नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बॉडी लिखेंगे, बॉडी बॉडी समझते हो ना, बॉडी बॉडी के, हाँ बॉडी के अंदर कॉलम हम लोगो लगाएंगे, लोगो के नीचे, लोगो के नीचे वो लिखेंगे क्या था वो टैगलाइन। तो हम लोगों के लिए हमें मल्टीपल विजिट चाहिए, अगर हम यहाँ पे बस टेक्स्ट लिखेंगे या फिर हम बस एक इमेज लगाएंगे तो, क्योंकि वो एक विजिट है, हमको चाहिए मल्टीपल विजिट। मल्टीपल विजिट कहाँ पे लिखे होते हैं, कॉलम के अंदर लिखते हैं, सी ओ एल यू एम एन कॉलम, और ये वाला इस पर क्लिक करें, फिर गए नीचे, इसके अंदर चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे, इसके अंदर गए, ये वो आया, दो कोष्टक आए, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल विजिट जाएंगे चिल्ड्रन के अंदर। अब हमको चाहिए इमेज, हम लोगों के लिए इमेज लगाएंगे, इमेज के लिए होता है इमेज, इमेज एक विजिट है, ठीक है। इमेज विजिट के अंदर क्या करेंगे, ये लेफ्ट, हाँ अरे भाई इतनी फास्ट नहीं, सुनो तो, हाँ आप जैसे बॉडी पे आए, बॉडी पे आया, आपने कॉलम लिया, ठीक है, ये समझ में आ गया, फिर आपने एंटर मारा, क्योंकि कॉलम के अंदर हमें ढेर सारे काम करने हैं, तो हमें चिल्ड्रन ले लिया। भाई 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 मेरी बात सुनो, अगर हम जिस तरह से बता रहे हैं ना, तो पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। हम चाहते हैं आप वीडियो प्ले करके देख लेना अगर नहीं समझ आया, क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं कि आपकी जो एक क्लास हुई ना, जिसमें हम लोगों एक आपकी इमेज लगा दें, आपकी टैगलाइन लगा दें, वो हम खत्म कर दें, इसलिए हम जल्दी जल्दी खींच रहे हैं। अगर हम इस तरह से दोहराएंगे तो वो चीज़ नहीं कवर हो पाएगी, मेन चीज़ ये है, समझ रहे हो। अगर अगर हमने आज की क्लास ली और आपकी कोई भी क्लास कवर नहीं हो पाई, तो आपका बेकार हो जाएगा कनेक्ट करना, राइट। हाँ इसीलिए तो हम चाहते हैं कम से कम आपकी स्प्ले स्क्रीन लगा दें और उसके अंदर एक टैगलाइन लगा दें, लोगो लगा दें, इसलिए तो इसलिए जबकि हम वो बिल्कुल हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। क्योंकि हमको चाहिए मल्टीपल बजट एक स्क्रीन पर। सपोज करो हमने यहाँ पे जो हमारा कॉलम था, अगर हमको बस यहाँ पे कोई चीज़ एक चीज़ लिखनी थी हमारी बॉडी के अंदर, ये क्या है कि जो भी हमारे यहाँ पे बॉडी आती है, जो भी यहाँ पे दिखती है, टाइटल होता है इतने इतने में लगभग, ठीक है, इतने इतने पे, इसके बाद में जो नीचे नीचे यहाँ से यहाँ तक आता है वो पूरी बॉडी आता है, बॉडी सेक्शन में। हमें चाहिए बॉडी में एक इमेज लगानी है, और इमेज लगाने के बाद हमने अगर एक टैगलाइन भी लिखनी है नीचे, तो हमारे वो दो बजट हो गए, दो एलिमेंट हो गए। तो दो एलिमेंट के लिए हमें कॉलम लेते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा जब भी हम कोई बजट यूज करते हैं बॉडी के अंदर, तो हमें कॉलम का यूज करना पड़ता है। कॉलम के अंदर क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। चिल्ड्रन के अंदर देखो हमेशा ये वाला जो लगता है ना, ये बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक एक सिंबल है, बड़ा कोष्टक चाइल्ड, बाकी सब में देखा हुआ तो चाइल्ड लिखा हुआ होता है, इसी के अंदर चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, बहुवचन। हाँ तो इसका मतलब है कि इसके मल्टीपल बजट आ सकते हैं। इसमें हमने यहाँ पे इमेज दे सकते हैं, इमेज के अंदर हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। देखो हम पहले हम लिखते हैं इमेज, इमेज में था ASET एसेट इमेज, इमेज में होता है एक एसेट इमेज, ठीक है। अब इस एसेट इमेज में यहाँ पे आपका यू आर इमेज का जो पाथ रहेगा, जो भी आपका था एसेट इमेज ASET, जो आपका फोल्डर का नेम था, जो भी देखो जो पाथ या URL या लिंक जो भी ऐसा कुछ होता है, तो हमेशा स्ट्रिंग के अंदर आता है, स्ट्रिंग के अंदर इन द सेंस सिंगल कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस चीज़ को लिखा जाता है, ओके। अब हम यहाँ पे पाथ देंगे एसेट IMMAGES इमेजेस स्लैश लोगो, डू यू रिमेम्बर हमने क्या पाथ लिखा था, तो वही हम लिख देंगे। और इसके बाद में यहाँ पे आपको जो आपने पब स्टेप फाइल में लिखा था वो चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगी, यहाँ पे रहेगा पूरा आपका नाम पर्टिकुलर एक इमेज का, क्योंकि वहाँ पे जो आपने लिखा था उसका मतलब था कि आप लोगो फोल्डर के अंदर 1000 इमेज है, या फिर 10000 इमेज है, या फिर 2 इमेज है, या फिर 1 इमेज है, तो वो सारे काम करेंगी। बट हमें यहाँ पे एक इमेज लगानी है, जो पर्टिकुलर इमेज लगानी है उसका पर्टिकुलर नाम लिखना पड़ेगा हमें। पर्टिकुलर नाम लिखने के लिए हमें देखना पड़ेगा भाई उस इमेज का नाम क्या है, ठीक है। सबसे पहले इमेज का नाम देखेंगे नाम देखने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले आपके डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया रीनेम ही है, रीनेम यहाँ लिखा हो नीचे, भाई मेरे रीनेम भी हम कर दे रहे हैं, लोगो इसका नाम मतापुर लिख दो यार प्रॉपर्टी। अब देखो ये यहाँ पे नाम दिख रहा है लेकिन फाइल का एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है मालूम है, ये फाइल जो ये इमेज है, देखो हर कोई दुनिया में जो भी जैसे जो भी आदमी पैदा होता है उसका एक नाम रखा जाता है हर एक चीज़ का, उसी तरह से ये जो फाइल है ना वो किसकी फाइल है, फाइल
इमेज में भी कई सारे टाइप होते हैं, जेपीजे, पीएनजी, समझ रहे हो ना। तो ये कौन सी इमेज है इसको पता करने के लिए हमें कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, सबसे नीचे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे गए, प्रॉपर्टी पे जब भी जाएंगे तो आपका यहाँ पे दे देगा जी जी जे 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 एफ एफ, ये वाली इमेज चलती नहीं है इसमें लोगों के अंदर, ठीक है। जे ये कोई अच्छा। हाँ ये जी आई एफ पी एन जी या फिर जे पी जे, ये कोई इमेज, ये वाली चेक करते हैं। अगर सपोज करो ये देखो जे पी जे, यहाँ पे देखो जे पी जे लिखा हुआ है, ये वाली इमेज लगा रहे हैं, ठीक है। ये वाली इमेज लगा दें, ये वाली यार, ये वाली इमेज रुको तुम्हारा यार कर दूँ उसका निवारण, तुम भी कहोगे यार लोगो बनाया इतनी मन से और वो यूज हो नहीं पाया। अब देखो जी आई क्या था यार, जी आई टी एफ एफ क्या था, जी आई टी कन्वर्ट, एक मिनट सी ओ एन बी आर टी कन्वर्ट जी आई टी एफ एफ, देखो अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा जी आई टी आई एफ एफ। तो हम यहाँ पे जाएंगे अपलोड फाइल डेस्कटॉप, ये कोई रॉन्ग फाइल थी यार, वो टी आई एफ एफ नहीं थी वो, कि जे जे वहाँ पर टी आई एफ एफ ले रहा है। J F I F 2 भाई वही तो, बस खाली वही तो, ये इसी हमका कोई हमारे का कोई बाबा थोड़ी ना था, ना ही हमारा दिमाग कोई विदेश से आया था, ना हमारे चिप कहीं से अलग से लोड होके आई है, बस खाली समझ पाओ गूगल बाबा सबके पास हैं। नीचे आओ, आई नहीं क्या राम डिवाइस, यहाँ पे आई राम डिवाइस, इसको क्लिक करके ओपन ओपन करके जाओ ना, कन्वर्ट 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 डाउनलोड, कारण हो गया जेपी जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जेपी जाएगी, अब इसको हम कॉपी कर लो वहाँ पे, यहाँ से कट कर लो, तो तुमको मज़ा यार लंबा, ये तो भाई कुछ नहीं लंबा यार, लंबे से लंबा काम हो जाता है, हाँ वही तो हम कर रहे थे, जब अपना लेवल बढ़ाना है तो हमको लंबे लंबे काम करने पड़ेंगे। अब हो गया, अब हम इसको यहाँ पे logo.jpg, ठीक है, इसको हमने ये फोल्डर था, ये फाइल का नेम है, फोल्डर एंड फाइल नेम वो था डिफरेंस ब्रो। नाम फाइल का नाम प्लस एक्सटेंशन, फाइल का नाम प्लस एक्सटेंशन, ये फाइल का नाम था लोगो, इसका नाम बता दें तुमको, यार फोल्डर का नेम वही है शॉपिंग हब लोगो, SHOPPING शॉपिंग हब लोगो, लोगो अरे नहीं हुआ हो गया भाई डिस्कनेक्ट, भाई तुम्हारा चला गया, अब इतना ही रखो, हाँ हो गया भाई तुम्हारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ पर पूरा नाम लिख दो और फिर इसको सेव कर दो, आ जाएगा तुम्हारा लोगो, दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा टर्मिनेट करके, ठीक है। और नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे, आप टाइटल लिख देना, अब नेट डिस्कनेक्ट हो गया भाई, नेट डिस्कनेक्ट हो गया भाई, अब फिर लगेगा यार 10 मिनट, तुम नाम लिखो फटाफट।
वो यार बार बार फोन आ जाता है, मैं उसे काट रहा हूँ, इसे डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है भाई, हमने बोला ना फोन आ रहा है यार। शॉपिंग आप ऐसा तो पी आई अब नीचे वो लगा ना, नीचे वाला रुको हम लगाते हैं यार, नीचे वाला। हाँ नीचे वाला आगे हो जाएगा। फिर अगर बोल सही से भी आया नहीं। फिर वो एडिट कर पा रहा। आप मुझे बताओ क्या लिखना है, टेक्स्ट तुम क्या लिखना है यहाँ पे, लिख दो कुछ भी लिख दो, टैग लाइन यार, योर ब्रांड टैग लाइन, यहाँ टैग लाइन लिख दो बस, टैग लाइन इसके अंदर। और यहाँ पे इमेज के बाद सबसे बाद में कॉमा लगेगा, ठीक है। हाँ, और जहाँ पे इमेज का कोष्टक खत्म हुआ है उसके बाद में सबसे बाद में कोष्ट उड़ गया कॉमा, जिसे वो एरर दे रहा है। हर एक बजट, जो बजट जहाँ पे ख़त्म होता है उसका कॉमा सेपरेट होता है, लाइन नंबर 26 के सबसे अंत में। लाइन नंबर 26 के सबसे अंत में कॉमा लगा दिया और रेड 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 हट गया लाइन नंबर 27 से। रेड नहीं ब्लू है, ब्लू। हाँ तो ठीक है, ब्लू बनाने दो। ठीक है चलो, अब सेव करो, सेव करो और ऐप को अब दबाओ कैपिटल आर, शिफ्ट के साथ में आर दबाओ। हाँ 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 नीचे क्लिक करके उसके जहाँ पे ऐप चल रहा था तुम्हारा, शिफ्ट के साथ में आ दबाओ तो वो ऐप रिस्टार्ट होगा फिर से। हाँ शिफ्ट के साथ में आ दबाओ भाई। हाँ नहीं नहीं नीचे क्लिक करके, यानी कि हम वहाँ पे हमारा जो कर्सर था यानी कि हम बदल गए ना, हमको नीचे से काम करना है उस पर क्लिक करना है, तो फिर नीचे भी वो नीचे जब क्लिक कर देंगे एक बार तभी तो उसका जो एक्टिव माउस होगा वो नीचे आ पाएगा ना। नज़ाकत को समझो यार, नज़ाकत समझा करो यार। हाँ 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 बस बस रिस्टार्ट होने दो और क्रोम देखो लोगो तुम्हारा आ पाए तो, नहीं तो फिर अगर नहीं आएगा तो आपको एक बार फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी कि टर्मिनेट करके फिर से उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, फिल्टर रन करके तब आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिख के आया है अनेबल टू लोड। हाँ हाँ टर्मिनेट करो, टर्मिनेट करो, टर्मिनेट फटाफट वहीं पे जाओ जहाँ पे थे अभी, जहाँ पे शिफ्ट आ रहा था वहाँ पे दबाओ कंट्रोल कंट्रोल प्लस सी और फिर वाई दबाओ, टर्मिनेट हो जाएगा, फिर से रन करो। कंट्रोल रन फिर से, वो फ्लैटर रन, फ्लैटर रन, फ्लैटर रन। ओके ओके कर दिया, ओके हो गया। ओके क्रोम, अच्छा ये दोबारा बनाना पड़ता है, नहीं होता है ना। चल गया। हाँ पड़ गया पड़ गया पड़ गया। इंस्पेक्ट करूँ, फोटो आई वही वाला आया, अनेबल टू लोड ऐसे वही लिख के आया, टैग लाइन नीचे लिख के आया, टैग लाइन लिखा था मैंने वो लिख के आ गया। अच्छा फोटो अपलोड नहीं हुई, फोटो का पाथ कुछ गड़बड़ होगा, इमेजेज अब देखो देखना पड़ेगा यार, जो जहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ था जहाँ पे फोटो का पाथ और तुम्हारा, दो जगह देखना पड़ेगा क्या क्या पाथ है, क्या फोटो का नेम, मतलब कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है इसके पाथ में, ठीक है। दो चीज़ें पब स्पेक फाइल में लाइन हैं,
डबल पी बनेगी। हाँ हाँ वही चीज़ वही चीज़। नाम नाम फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी जो वहाँ पे लिखा हो वो सेम दो जल्दी। अब फटाफट शिफ्ट आर करो, शिफ्ट आर सब सही कर दो तब। यार 12 बज गया। सेव करना है मुझे, पहले सेव तो कर दो। हाँ 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 सेव कर दो फटाफट। सेव तो बिना बिना कहे बोल दिया करो, तुरंत अपने आप ऑटोमेटिक हाँ कंट्रोलेस हो जाए। ऑटोमेटिक कोई काम करो, ऑटोमेटिक कंट्रोलेस। नहीं हो रहा भाई, मैंने करा लेकिन वही है वो नहीं हो। चेक करना पड़ेगा उसको भाई। तुम्हारे में सिस्टम में कनेक्ट है नेट? हाँ कनेक्ट है। लाल लाल फटाफट दो मिनट देख लें, देखो एक्सेप्ट करने के लिए आ रहा है क्या। आ रहा है। हाँ लाल लाल देखो फटाफट जल्दी छोड़ो। एस एच आई एम इमेज, इमेज का नाम ये देखो गलत है, यहाँ पे डबल एम बना हुआ है। कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस। चलो अब यहाँ पे दबाओ शिफ्ट आर। ना नीचे 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 ऊपर दबोगे, ऊपर दबोगे ऊपर। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड। हाँ नीचे क्लिक करो एक बार। हाँ काले काले पे। हाँ अब करो। हाँ अब इधर देखो क्रोम पे जाओ। एक मिनट एक मिनट। आई एम ए एस एस ए टी एस आई एम ए जी एस लोगो भाई, बिल्कुल आराम से वेट करो। एस एच ओ पी पी आई एन जी अंडरस्कोर हव डॉट जे पी जी जे पी जी। चलो चलो फोल्डर पे फोल्डर पे फोल्डर पे फटाफट। ऐसे नहीं आराम से चीज़ें होती हैं। एस एच ओ पी पी आई एन जी हव लोगो, लोगो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, लोगो लिखा हुआ है। हाँ देखा नहीं लिखा है। हाँ लिखो हब के बाद, देखा लोगो लिखो लोगो। बस बस सेव करो, फिर से नीचे क्लिक करो और रीलोड करो, पहले सेव करो फटाफट। हाँ नीचे क्लिक करो आर करो सेव। चलो दिखाओ अभी नहीं आया। डाइना टेम्पटी जे पी जे। चलो अब चलते हैं, अब हमको इधर दिखाओ कोड, इस वाले पे आओ। ए एस एस ई टी एस आई एम ए जी ई एस एसेट इमेज स्लैश लोगो। ओके एस के नीचे ये आ गई, ये यहाँ आ गया, सही है। अब देखते हैं इसके फोल्डर लोकेशन लोगो। आ हा हा यहाँ पे इमेज लिखा हुआ है भाई मेरे, आई एम ए जी ई देख रहे हो ये। हाँ ये गड़बड़ था, अब इसको इमेज कर दे रहे हैं। ठीक है उधर दोनों जगह इमेज लिखा हुआ है तो इसको ना एस लगाना आ रहा है, इसमें रह गया। ठीक है गलती देखी, गलती कैसे पकड़ी हमने, गलती देखो मैं कैसे पकड़ी। चलो अब यहाँ पे आर दबाओ, आर शिफ्ट आर दबाओ या फिर आर दबाओ। हाँ हाँ चलो हटाओ दिखाओ, देखो उधर इसे हॉट रीलोड कर देता हूँ। इमेजेज एक मिनट मुझे दिखाओ, एसेट सी है ना, ए एस एस ई टी एस ए एस एस ई टी एस आई एम ए जी ई एस लोगो एस एच ओ। एक मिनट देखें प्रॉपर्टीज की डॉट डॉट जे पी जे शॉप। ओके हैं हाँ जे पी जी हाँ। यहाँ पे टर्मिनेट करो उसको, टर्मिनेट करो फिर से रन करो। क्या करो कंट्रोल सी। हाँ हाँ कंट्रोल सी, कंट्रोल सी भाई। ओके भाई फिर दबाओ ऊपर वाली। हमला कर रहे, फोन ना करो मेरे कॉल से, चल रही है।
हाँ मैंने कर दिया इसको, मुझे अब रन मारना है, ट्विटर रन ट्विटर। ओके वन मोर। मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई। डिस्कनेक्ट अच्छा तुम तो आज पूरा फायदा लोगे, आज तुम मानोगे नहीं, आज फोटो आ जाएगी तुम्हारी। आई 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 आ गई, अपने आप आ गई तू भाई, यही तो तुम समझो, ये ऐसे ही तो जादू होता है प्रोग्रामिंग में। चलो इधर आओ, फाइल पे जल्दी कोडिंग पे ऑटो ऑटो। नहीं नहीं वो बाद में करना, पहले हमें नीचे दिखाओ। पहले एक चीज़ और कर देंगे, बीचों बीच आ जाए आपकी, अभी ऊपर धरी हुई है स्क्रीन कॉलम बॉडी कॉलम। यहाँ मैं आई एन मैन मैन एक्सिस अलाइनमेंट, मैन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर। सेव करो सेव करो, कंट्रोल एस। ये कुछ और मैं यहाँ से दबाता हूँ तो दब जाता है। चलो अब यहाँ पे आर दबाओ, आर बस। चलो देखो बीच में आया। अरे साइड में आ गया। हाँ वो बीच में ही है, वो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाओ और मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर। ओके तो काम करो, पूरे के पूरे कॉलम को, एक मिनट ब्रेक विद सी एन टी आर। इसको पूरे को मैं कॉलम को सेंटर में डाल दिया। कंट्रोल कंट्रोल एस करो और यहाँ से आर दबाओ। वहाँ ऊपर अभी पहले उसको फाइल को सेव नहीं हुई भाई, पहले फाइल सेव करो। हाँ अब नीचे आर दबाओ, अब नीचे आर दबाओ। खोकट है यार, छत्ते छोकटे होती है ना। अब तुम देखो आगे बीच में, अब टैगलाइन कुछ भी यहाँ पे लिख देना अपनी, ठीक है। टैगलाइन लिखी तो है नहीं मतलब ढांसु, ये तो तुम्हें एक टैगलाइन एग्जांपल होगी। टैगलाइन नहीं होती, जैसे हमारे में लिखा हुआ है लर्न फ्रॉम एनीवेयर, तुम शॉपिंग ऐप की एक अच्छी सी टैगलाइन लिखना बना के, शॉपिंग शॉपिंग फ्रॉम एनीवेयर आजकल लिख देना। चलो ठीक है ठीक है। अब इसके बाद में अब आपका एक नया 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 वो बनेगा पेज, अब वो आपका बनाना ठीक है। फिर वो यहाँ पे इसमें एक वो लगता है, अब ये हो नहीं रहा, चल नहीं रहा, चला चला। यहाँ पे क्लिक करो कंट्रोल ए, कंट्रोल ए क्लिक करो यहाँ पर। हाँ कंट्रोल ए बस, अब राइट क्लिक करने दो, ऑटो दो कॉपी, फाइल पे जाएंगे, नया पेज क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिप के ऊपर नया फाइल एच ओ एम ई होम पेज डॉट डॉट, एंटर प्रेस किया, नई फाइल आई, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और जो कोड कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, स्प्ले स्क्रीन की जगह सारी जगह कर देंगे होम पेज, ठीक है ना। मतलब समझ में आया ना, मतलब हम कैसे करते हैं, क्योंकि बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता यार, वही वही कोड होता है ना, मेन चीज़ ये है। हाँ यहाँ पे होम पेज करना है। हाँ हाँ ये चल नहीं रहा मेरे इधर से, होम पेज दिखा रहे तो बस सब जगह कर दो, सब जगह जैसे
हाँ वो अब अभी इसे बता नहीं पाएंगे यहाँ पे डबल क्लिक होता है तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है वो, डबल क्लिक करते हैं वहीं पे पेस्ट कर देते हैं तो पूरा हो जाता है वो, पूरा पहले सिलेक्ट हुआ और वहीं पे कनेक्ट हो गया, वहीं पे एकदम से पेस्ट कर देते हैं उसको। वो दो होते हैं, वो दो एरिया से होते हैं, उसको बदल दो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी रेड लाइन आ गई ना इसलिए। वो एक एक जगह और होगा वहाँ पे चेंज करना पड़ता है, दो जगह लिखा होता है अंडरस्कोर करके। अब यहाँ यहाँ पर ना ये दिख रहा है मेरा सेटअप, दिख रहा है लेफ्ट सेटअप दिख रहा है आपको? ऐसा करो उसको तुम वो स्टेट वाले को हटा दो, उसको उसको रहने दो, उसको मत करो, दो जगह होता है उसको एक जगह रहने दो, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। यार तुम्हारे में नेट कनेक्ट है, हटो दो। नहीं है यार, रुको 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 करते हैं, हमारा ही क्लोज हो गया तो नहीं, डेस्क डिस्कनेक्ट हो गया, आप खूब कर दें तुम्हारा कनेक्ट। आया क्या? मिला? मिला, हाँ मिला, ऐसा हो गया। हाँ एक मिनट, एच हमेशा एच हो चाहे कोई भी हो, उसका सबसे पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लिखेंगे, ठीक है? होम पेज स्क्रीन लिख लोगे तो और बढ़िया है, एस सी आर डबल ई एन। यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना होता है, ये सीधा सीधा कॉपी कर दिया, पेस्ट नहीं करा। अब यहाँ पे वो कॉपी पेस्ट वाली चलती नहीं है, कमांड मैन चीज ये है। अरे यार तुम्हारा नेट नहीं चल रहा यार, अब क्या हो गया? अटक जाता है, चलता है नहीं। क्या करना, क्या मुझे बताओ, मैं ये होम पेज स्क्रीन लिखो, ये लाइन नंबर 6 पे लिखो, लाइन नंबर 15 पे लिखो, यहाँ पे स्टेट के अंदर लाइन नंबर 6 पे, फिर लाइन नंबर 15 पे, लाइन नंबर 15 पे पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ जो कोष्ठक उसके अंदर लिखा हुआ है। क्या हुआ, देखो 15 पे लिख दिया। अरे देखो तो सही, आप देखते कहाँ हो? देखे कहाँ यार, वो हो कहाँ, तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो जाता है यार, नेट नहीं चलता है तो क्या पता है। लाइन नंबर 15 पे यार वही चीज लिखो ना, होम पेज स्क्रीन जो लाइन नंबर 2-3 पे लिखा हुआ है, जो एच कैपिटल होगा, पी कैपिटल होगा, एस कैपिटल होगा। जो चीज़ चेंज करनी है सिर्फ वही चेंज करोगे, तुम्हारे में नेट नहीं कनेक्ट है भाई मेरे, तुम्हारे सिस्टम में कैसे गड़बड़ हो गया, हमारा सिस्टम का नेट निकल गया। पटको यार फटाफट, क्या है ये? चेंज कर दिया तुमने लाइन 15 पे, मुझे ये बताओ। होम पेज स्क्रीन लाइन नंबर 15 क्लास के आगे लिखा है होम पेज, वो नहीं, हमने तुमसे क्या बोला पीछे वाला चेंज करना है, जो करली जो जो उस ब्रेक छोटे बड़े जो ब्रैकेट होते हैं उनके बीच में लिखा हो वो चेंज करना है यार, क्लास के बाद वाला नहीं चेंज करना है, जो अंडरस्कोर से स्टार्ट है वो चेंज नहीं करना है, पीछे वाला यार समझते नहीं भाई, पीछे वाला उसके बाद वाला जो लिखा हो, दो लिखे हुए ना लाइन 15 पे, तो पीछे वाला यानी कि राइट हैंड वाला चेंज करना है, लाइन राइट हैंड वाला चेंज करना है। होम पेज स्क्रीन, हाँ एच कैपिटल पी कैपिटल स्क्रीन कैपिटल, ठीक है? उसको अंडू कर दिया तभी तो रेड आ गया था,
भाई समझा करो यार, हम क्या बोल रहे हैं, हमने बोला पीछे वाला, वहां पे दो लिखे थे इसीलिए हमने पीछे वाला का नाम स्टार्टिंग में लिखा था, लिया था। ऑन पेज स्क्रीन कर दिया, अब तो रेट नहीं आ रहा ना। हाँ हट गया। हाँ अब नहीं आएगा ना, गलत असल गलत गलत जगह डाल दोगे यहाँ तो रेट तो आएगा ही। छह नंबर चेंज करो ना, हमने बोला भाई छह नंबर और पंद्रह नंबर पे, हमने बोला था जल्दी लिख करो। छह नंबर पे क्या लिखें? होम पेज स्क्रीन सेम वही। अरे भाई नहीं नहीं वो नहीं चेंज करना है, 12 नंबर और 15 नंबर भी ये चेंज नहीं करना है, और रहने दो ऐसे ही, और तुम फिर गड़बड़ हो जाएगा तो इसलिए तो फिर उसे ऐसे रहने दो। तुम्हारे में इंटरनेट सिस्टम में यार करेक्ट कनेक्ट नहीं होगा यार इंटरनेट, भले ये बताओ। हाँ सेव करो यार, चेंज करो, हो गया बस। एक बार और नेट कनेक्ट करा दो भाई, मैं लिंक कर दें बस, फिर हो जाए काम। वही तुम कोई दिक्कत नहीं, तुम नेट कनेक्ट करा दो, हम कर देंगे यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी इनका नेट नहीं चल रहा और उसको कर देना आप कैंसिल, और किसी को कोई दिक्कत आए पूछो हमसे, इसी तरह से हम एक्स्ट्रा क्लास को कनेक्ट करेंगे।
चल गया भाई तुम्हारा हो गया। अब और देखो इनका मैंने पूरा कर दिया, इसमें डिस्प्ले स्क्रीन में क्या किया है, डिस्प्ले स्क्रीन में ऑटोमेटिक लगाया है, जैसे ये आएगा और देखो आ गया। और यहाँ पे देखो बैक बटन जो होता है उसको हम डिसेबल करने के लिए, एक कहाँ गया, होम पेज स्क्रीन पे जहाँ पे बैक बटन ना आए, तो उसके लिए हम बैक बटन को हाइड करने के लिए क्या करेंगे, एक बार में ये लगा देंगे ऑटोमेटिक। डन। बस हो गया, हम निकलते हैं। ओके बाय 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 बाय। इसी तरह से आप लोग भी देखते रहिए, कनेक्ट करते रहिए, कोई एरर आई है तो हम उसका समाधान करेंगे। इसी तरह से कनेक्ट करके आपके सिस्टम में भी कोई भी बंदा जो हमारी क्लासेस नहीं ले रहा है उसका भी हम ऐसे समाधान करेंगे। तो इसी तरह से देखते रहिए और हमसे बताएं, हमको बताएं कोई दिक्कत आ रही है तो हम कनेक्ट करेंगे उसका। ओके बाय, फिर मिलेंगे।